गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक हॉल वीडियो। टाइटल से और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। सो गाइज़ मैंने कई दिनों पहले, मतलब काफ़ी टाइम हो गए हैं इन प्रोडक्ट्स को, मैंने फॉरएवर से, नायका से, अमेजोन से कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स जो है परचेस किए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें आपको मैं बताऊँगी जो मैंने नायका से और फॉरएवर से प्रोडक्ट परचेस किए हैं। ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस नहीं किए हैं, ऑलमोस्ट थोड़े से किए हैं फॉरएवर से। तो मैंने काफ़ी दिनों पहले आया था तो उसका जो बॉक्स था वो मैंने फेंक दिया है। तो आज मेरे पास है इतने सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, पूरा बॉक्स भर के आप देख सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए हैं। बट आगे बढ़ने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, नीचे दिए गए रेड बटन को ज़रूर क्लिक करें सब्सक्राइब बटन को, एंड उसके बाद आपको एक मिलेगा बेल आइकन, तो आप उसे भी प्रेस कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियो, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने इसके अंदर जो है डाल दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने फॉरएवर से क्या परचेज़ किया है, ठीक है। और फॉरएवर पे काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा था, इसलिए मैंने, मुझे काफ़ी टाइम से ये सारी चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बाय कर लूँ। सो गाइज़ मैंने फॉरएवर से परचेज़ किया है ये फाउंडेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो फाउंडेशन। ये है फोटो मैट लिक्विड फाउंडेशन, 30 ml का आपको प्रोडक्ट मिलता है फॉरएवर का। एंड मेरा शेड है PLF 005 चाय, ये मेरा शेड है। एंड ये आपको इस तरह से मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लुक एट द पैकेजिंग गाइस। एंड आपको ये एक पंप में मिलता है, लाइक पंप एप्लीकेटर है इसका। एंड ये इसका MRP है 1250 रुपीज़, आप ये है 1250 रुपीज़, बट मुझे ये 1100 समथिंग में मिला था। तो ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, फुल कवरेज है और मैट फाउंडेशन है, डूई भी है इन द सेंस, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। एंड देन मैंने जो नेक्स्ट प्रोडक्ट परचेस किया है वो है ये फॉरएवर का एक ब्यूटी स्पॉन्ज। एंड ये इसका जो प्राइस है वो है 285 रुपीज़, बट मुझे ये 235 ऐसा कुछ मिला है। जो भी एक्चुअल प्राइस में मैंने इसे परचेज़ किया है मुझे याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी सेल प्राइस और जो प्राइस में मुझे मिला है, तो दोनों मैं शेयर कर दूँगी। तो ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर है और गाइस आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा इसलिए है बिकॉज मैंने इसे वाटर में अच्छे से स्क्वीज करके इसका देख लिया है कि इसका साइज़ कितना होता है। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्क्वीशी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये अभी गीला है इसलिए ऐसा है, बाकी क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर फिट भी नहीं होता है। और जब ये आया था ना तो बहुत छोटा सा इसके अंदर आया था, तो ये इतना बड़ा हो गया है। तो अगर आपको एक डिटेल्ड रिव्यू चाहिए इसके बारे में, और मैं जो भी प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ उनमें से जो भी प्रोडक्ट का आपको डिटेल्ड रिव्यू चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसका आपके साथ एक डिटेल्ड रिव्यू शेयर करूँगी। तो ये था फॉरएवर का ये था फॉरएवर का ब्यूटी ब्लेंडर एंड ये है फॉरएवर का फाउंडेशन। तो इन दोनों के परचेस पर मुझे मिला है एक फ्री गिफ्ट, किसे फ्री के गिफ्ट पसंद नहीं होते हैं, तो उन दोनों के परचेस पर मुझे मिला है ये फॉरएवर का जेंटल टच मेकअप रिमूवर फॉर ऑल स्किन टाइप, क्लिनजर, नरिशिंग, नो राइन, सॉफ्ट फॉर फेस, आइज एंड लिप्स। तो डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है, तो और ये 125 ml का आपको बॉटल मिलता है। तो ये इन दोनों के परचेस पे मुझे ये फ्री मिला। सो अगेन या आई गॉट दिस। एंड ये एक ऑयल वाला है, मतलब ऑयल वर्जन है, और इसका MRP है 299 रुपीज़, बट मुझे तो फ्री मिला है, सो आई डोंट नो ऑफर चल रहा होगा तब, बट काफ़ी अच्छा रिमूवर है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, सो आई एम वेटिंग टू ट्राई दिस वन। ये थे प्रोडक्ट जो मैंने फॉरएवर से परचेस किए हैं। अब बारी आती है नायका के। तो मैंने नायका से परचेस किया है ये लिप पैलेट, ये है फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी, एंड ये 12 कलर की है, एंड ये है 01 01 मैंने परचेस किया है। और मेरे पास 02 या 03 एक और है, मैं इसका एक डिटेल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इसलिए मैं अभी इसे ओपन नहीं कर रही हूँ। मैं इसका पूरा स्वॉच वीडियो और इसका डिटेल रिव्यू आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर बनाइएगा अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू देखना है। काफ़ी ज़्यादा अभी जो ये लिपस्टिक है ये भी मैंने इसी पैलेट में से वेयर करी है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैलेट है, अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी सेमी मैट है, फुल मैट नहीं है, क्रीमी मैट लिपस्टिक्स है। तो मैं इसके दो शेड्स हैं मेरे पास, दो है पैलेट, तो मैं दोनों का आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी, इसलिए मैं इसे ओपन नहीं कर रही हूँ। ओके, सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे परचेस किया है मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट। अगेन मेरा शेड है शेल एंड ये कुछ इस तरह से आता है। सो ये मैंने परचेस किया है नायका से 199 रुपीज़,
इसका MRP है और ऑफर प्राइस मैं आपको दे दूँगी। कुछ इस तरह से आता है, आपको एक पैन मिल जाता है, एक पाउडर पफ मिल जाता है, मिरर मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा है और अफोर्डेबल प्रोडक्ट है ये, तो आप अपने आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। तो ये था फिटमी का कॉम्पैक्ट जो मैंने नेक्स्ट ऑर्डर किया था। मैंने ऑर्डर किया है नायका से मेकअप फिक्सर, यह है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर गाइस, काफ़ी अच्छा फिक्सर है एंड बहुत अफोर्डेबल भी है। मैंने दो ऑर्डर किए हैं, लाइक वन फॉर मी एंड वन फॉर माई सिस्टर, सॉरी वन फॉर मी एंड वन फॉर माई डी, उनके लिए मैंने एक ऑर्डर किया है। सो ये है स्विस ब्यूटी का फिक्सर एंड मैं मेरा वाला ओपन करके दिखा देती हूँ, ये मैं रख देती हूँ। सो ये मैंने इसे ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, इस वाला जो एवरीडे मेकअप लुक है ये मैंने अभी क्रिएट किया है, इसकी वीडियो जल्दी आपको मिलेगी मेरे चैनल पे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके, सो इस तरह की एक बॉटल आती है, प्लास्टिक की बॉटल है, कैप मिलता है आपको एंड इसके अंदर गाइस विटामिन ई है और एलोवेरा है। सो अगेन काफ़ी अच्छा फिक्सर है, इसका भी आपको डिटेल रिव्यू, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट का आपको रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ इनका रिव्यू जो है वो जल्दी शेयर करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मेरा फेवरेट कंसीलर, स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर, कवर ब्लेमिशेस एट वन स्ट्रोक एंड ये है इन द शेड 06 क्लियर मोयन। तो ये है स्विस ब्यूटी कंसीलर, इसके लिए भी आपको डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत अच्छा कंसीलर है। आई थिंक आई ऑल्सो हैव वन मोर शेड्स, मैं इसका एक और शेड है, मेरे पास दो शेड्स हैं, तो अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। है फिटमी का फाउंडेशन, अगेन ये थोड़ा डार्क है मेरी स्किन के लिए बट मेरे पास एक लाइट शेड भी है तो मैं मिक्स एंड मैच करके इसे यूज़ कर लेती हूँ। ये है 330 टॉफी इन द शेड टॉफी एंड ये बस थोड़ा सा डार्क है, डार्क मतलब कॉफ़ी शेड्स में, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है एंड अगेन काफ़ी अच्छा है। अभी फिटमी का जो फाउंडेशन है इस तरह के ट्यूब पैकेजिंग में आते हैं एंड ये 299 रुपीज़ का है गाइज, बट ऑफर सॉरी ओके सो ये 299 रुपीज़ का है तो ऑफ़र में आपको मिल जाएगा नायका पे। तो देन मैंने नेक्स्ट परचेज़ किया है ये स्विस ब्यूटी का काजल, आप देख सकते हैं ये एक बॉक्स के अंदर आया था बट वो मैंने फेंक दिया है क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। सो मुझे कलर्ड लाइनर्स बहुत पसंद है, अभी मैंने ब्लू कलर लगाया है, होप आपको दिख रहा होगा तो मैंने अभी ब्लू कलर अप्लाई किया है। तो ये है उसी का ग्रीन, मेरे पास ब्लू भी है, ग्रीन है, एक और शेड जो और है, तो ये आप देख सकते हैं ये ब्लू मेरे पास ऑलरेडी है एंड मैंने ये अभी ग्रीन परचेस किया है। लुक एट द कलर गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है एंड ये भी अगेन 299 रुपीज़ का है बट आई थिंक आई गेट दिस इन 175 रुपीज़ एंड ये है इन द शेड ग्रीन, स्विस ब्यूटी का इंटेंस कलर वाटरप्रूफ स्मूथ जेल काजल। एंड देन मैंने परचेस किया है एलेगल प्रो कंसीलर का ये कॉन्टोर, एलेगल प्रो कंसीलर का HD हाई डेफिनेशन कंसीलर। सो ये है इन द शेड टोस्ट, ओके ये है इन द शेड टोस्ट, ये मैंने परचेस किया है। काफ़ी अच्छा आपको एक किस तरह से एप्लीकेटर मिल जाता है और आप इसे यू नो ईजीली अप्लाई कर सकते हो इससे एंड ये कॉन्टोर शेड है, एक कंटोरिंग शेड है, तो इससे आप अपने यू नो जॉ लाइन नोज़ सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कंटोर कर सकते हो और बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है। सो अगेन काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट परचेस है वो है ये माइलो का मैजिक पिगमेंट 24 आवर मैट फिनिश ऑयल फ्री प्राइमर एंड ये काफ़ी अच्छा प्राइमर है गाइस, अगर आप कोई अफोर्डेबल जो है चाहते हो कोई अच्छा प्राइमर तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। इसका प्राइस है गाइस समथिंग अराउंड 200-250 रुपीज़, इसी टाइप का कुछ इसका प्राइस है एंड इस तरह का इसका आपको पैकेजिंग मिल जाता है। काफ़ी अच्छा है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। ओके, इसमें आपको दिखा देती हूँ, तो आपने मुझे देखा होगा कई सारी चीज़ों में इसे यूज़ करते हुए। सो ये इस तरह से एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, बहुत अच्छे से आपके फेस को स्मूथ आउट करता है जिससे कि आपका जो मेकअप है वो बहुत अच्छे से इजीली ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन में, तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई आउट कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्राइमर है ये। देन नेक्स्ट मैंने परचेस किया है पोन्स का ये लाइट मॉइस्चराइज़र एंड नॉन ऑयली फ्रेश फील मॉइस्चराइज़र विथ विटामिन ई एंड ग्लिसरीन फॉर सॉफ्ट एंड ग्लोइंग स्किन। सो गाइस मुझे कई सारे मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई करना, मुझे अपने मॉइस्चराइज़र जो है वो चेंज करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड मैं मेकअप लुक करती रहती हूँ, सो मैंने सोचा क्यों ना इसे एक बार ट्राई करती हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा सुना था इसके बारे में सो मैंने इसलिए परचेस किया। ये है 35 रुपीज़ का है, बहुत ज़्यादा ना अभी मैंने ओपन नहीं किया है बट 35 रुपीज़ का है
और खुशबू भी ज़्यादा है नहीं, सो आई रियली लव दिस। ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट जो मैंने नायका से परचेज़ किए थे और फॉरएवर से परचेज़ किए थे। होप आपको मेरा ये छोटा सा मिनी हॉल पसंद आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने अमेजोन से क्या परचेज़ किया था। सो और जो ये लुक है जो आज मैं आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी एवरीडे ग्लोई मेकअप लुक, तो ये मेरे चैनल पर जल्दी आने वाला है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज एंड ऑल्सो शेयर माई चैनल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट माई सेकेंड चैनल, मेरा दूसरा चैनल भी है विच इज़ कॉल्ड स्मॉल लिटिल थिंग्स, तो आप उसे भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कई सारे DIYs, स्किन केयर, हेयर केयर्स और होम रेमेडीज जो है वो शेयर करती रहती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो आप वहाँ जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं मिलती रहूँगी ऐसी ही और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।